एक हार्ट अटैक भी आ गया है, तो आइडियल ड्रग इज बीटा ब्लॉकर्स, आइडियल ड्रग इज बीटा ब्लॉकर्स। आगे अपने को थोड़ा और समझेगा वो अनजैना और एमआई के लिए, जब भी हम लोग अनजैना और एमआई का ट्रीटमेंट देंगे तभी। अगर पेशेंट को कंजेस्टिव हार्ट फेलियर है और हाइपरटेंशन है तो आइडियल ड्रग विल बी एस इनहिबिटर्स, डायूरेटिक्स। ये भी अपने को आगे समझेगा कंजेस्टिव फेलियर के टाइम। अगर डायबिटीज मेलेटस है और हाइपरटेंशन है, एज वी टॉक्ट अबाउट एस इनहिबिटर्स। अगर एस्थमा है, अभी ये तो ये क्वेश्चन नहीं आएगा, ये तुम्हारे प्रैक्टिस के लिए है, जो सारे कार्डियोलॉजिस्ट करते हैं वही यहाँ पे हम लोग सीख रहे हैं। दिस इज ऑल कार्डियोलॉजिस्ट दस, जनरल प्रैक्टिशनर को ये सब कुछ पता नहीं है, नोबडी नोज अबाउट दिस। कार्डियोलॉजिस्ट जो रहता है वो ये सब देख के एक सिंगल ड्रग प्रिस्क्राइब करता है वो वाले पेशेंट के लिए। दिस इज अ कार्डियोलॉजिस्ट जॉब, दिस इज अ कार्डियोलॉजिस्ट जॉब, हु विल थिंक अबाउट ऑल दिस थिंग्स एंड देन प्रिस्क्राइब। क्योंकि ऐसा ड्रग देना चाहिए कि पेशेंट को दूसरा जो बीमारी है वो भी कुछ प्रॉब्लम ना हो। ब्रोंकियल एस्थमा सीओपीडी है तो आइडियल इज कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, आइडियल इज कैल्शियम चैनल, क्योंकि ये वेजो डायलेटर है, स्मूथ मसल्स को रिलैक्स करते हैं, तो दे विल ऑल्सो रिलैक्स द ब्रोंकियल मसल्स, दे विल ऑल्सो रिलैक्स द ब्रोंकियल मसल्स। हाइपरटेंशन इमरजेंसी है एज वी टॉक्ट अबाउट सोडियम नाइट्रोक्साइड। अगर पेशेंट को प्रोस्टेट प्रॉब्लम है, प्रोस्टेट प्रॉब्लम है और हाइपरटेंशन है तो यूज अल्फा वन ब्लॉकर्स, प्राजोसिन और टेराजोसिन, प्राजोसिन और टेराजोसिन, क्योंकि प्राजोसिन टेराजोसिन जो वो प्रोस्टेट का प्रॉब्लम भी सॉल्व करता है। इफ द पेशेंट इज प्रेग्नेंट, अल्फा मिथाइल डोपा एज वी टॉक्ट अबाउट, हाइड्रोलेजिन, लैबेटलॉल आर ऑल्सो द सेफ ड्रग्स। तो ये वाला जो क्लासिफिकेशन है, अगेन नोबडी इज गोइंग टू आस्क दिस इन द एग्जाम, मे बी एमसीक्यू आ सकता है,